आप सब नू इस पावन पवित्र धरती नाल जोड़ेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु घर के साडे अज के रूहानी सफर विच जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अज के सफर विच असी पहुंचे हाँ तख्त श्री केसगढ़ साहिब। असी पहला दर्शन कर चुके हैं तख्त श्री केसगढ़ साहिब के इतिहास के, तो अज असी दर्शन करांगे श्री आनंदपुर साहिब विखे सुशोभित होर बहुत सारे इतिहासिक अस्थाना के। स्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब के सामने उत्तर वल सुभायमान है। यह पावन स्थान गुरु साहिब के चार साहिबजादों का खास स्थान सी। जिथे गुरु साहिब अपने लखते जिगर साहिबजादों नू वर्जिश ते युद्ध कला की सिखलाई देंदे सन। इस स्थान नाल एक होर इतिहासिक घटना भी जुड़ी है, जदों 1703 विच पहाड़ी राजियां वल्लों आनंदपुर ते हमले दौरान निशान साहिब टुट के डिग पिया, तां गुरु पातशाह ने अपनी छोटी दस्तार तो एक फर्रा उतार के दस्तार विच सजा लिया ते कहा कि अज तो खालसे दा नीला निशान साहिब कदे भी नहीं टुटेगा। नाल बैठे मुखी सिंघां ने भी गुरु साहिब वांग फर्रे सजा ले ते बाबा फतेह सिंह ने भी उस मौके फर्रा भाव दुमाला सजाया। उदों तो इस स्थान नू दुमालगढ़ कहा जान लगा। गुरुद्वारा दुमालगढ़ साहिब तो बाद आओ चलते हैं उस स्थान ते जिथों इस पावन पवित्र नगरी का मुढ़ बनिया गया। इस पावन स्थान नाल गुरु महलां दा शाना मता इतिहास जुड़िया होया है। यह स्थान गुरु के महल करके जाना जाता है। नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब का एक घर हुंदा सी ते गुरु पातशाह परिवार समेत इस थान ते रिहा करदे सी। नौवें पातशाह की शहादत तो बाद दशमेश पिता भी पूरे परिवार समेत चारा साहिबजादियां समेत इत्थे रिहा करदे सी। इस स्थान का, इस कंपलैक्स का मुख्य जो स्थान है वह गुरुद्वारा भोरा साहिब है। असी हुण देखांगे गुरुद्वारा भोरा साहिब का की इतिहास है, नाल ही तुहानूं दस दईए कि इस पूरे स्थान का, पूरे कंपलैक्स का दोबारा तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यह स्थान जिसते तुसी दर्शन कर रहे हो गुरु के महलां दा केंद्रीय स्थान है। आनंदपुर रहिंदे समें नौवें पातशाह भोरा साहिब विखे बंदगी करके अपना ज्यादा समा बतीत करते सन। यह पावन स्थान भोरा साहिब गुरु के महल के वेड़े का सब तो मुख स्थान है। इतने बैठ के नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब भजन बंदगी करया करते सी। आज भी संगत इतने जुड़ बैठ के बंदगी करती है। डेढ़ मीटर वर्गाकार ते अद्धा मीटर उच्चा थड़ा भोरे की जगह उत्ते बनिया होया। भोरा साहिब तो बाहर निकलते ही सामने गुरुद्वारा थड़ा साहिब है, जिथे बैठ के नौवें पातशाह दर्शन ले आई संगत नू मिलते सन ते उपदेश बख्शते सन। इस स्थान ते कश्मीरी पंडितां ने नौवें पातशाह कोल आके फरियाद कीती सी जुल्म नू रोकण दे लई, ते गुरु साहिब ने उस फरियाद नू मानदे होए दिल्ली विच जाके कश्मीरी पंडितां दे धर्म नू बचाउण दी खातर शहादत दित्ती सी। ते इसे स्थान ते 1995 दे विच मुड़ तो इतिहास दोहराया गया सी, जदों कश्मीरी पंडितां ने अतवाद तो मुक्त करन दे लई इस स्थान ते आके मुड़ तो फरियाद कीती गुरु पातशाह दे अगे, ते उन्हां दी फरियाद सुन ली गई सी।
इस कंपलैक्स के अंदर ही वह अस्थान भी मौजूद है जिथे तीन साहिबजादियां बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ते बाबा जुझार सिंह का जन्म होया सी। मौजूदा समय आनंदा की नगरी के 350 साल शताब्दी समागम समर्पित SGPC वालों कार सेवा के सहयोग नाल आनंदपुर की इस पहली इमारत गुरु के महल कंपलैक्स का विस्तार करके मुड़ उसारी करवाई जा रही है। गुरु के महल के सामने ही शहर विच सुभायमान है गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। गुरु घर के महान सिद्धकी सिख भाई जैता जी गुरु साहिब का सीस दिल्ली तो लैके इतने पहुंचे सन। इतने गुरु गोबिंद सिंह महाराज की मौजूदगी संगत की मौजूदगी दे विच गुरु साहिब के सीस का अंतिम संस्कार होया सी। बाल दशमेश पिता ने 17 नवंबर 1675 के दिन नौवें पातशाह के सीस का संस्कार किया सी। गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के सामने अकाल बुंगा है जो एक छोटा गुरुद्वारा है ते इमारत पुरानी है। इस पांच कोने कमरे विच अत दा सुकून है। ते शीशे दे अंदर जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया है। इस स्थान का अंदरला हिस्सा दशमेश पिता जी की देखरेख हेठ बनिया होया है। लासानी कुर्बानियां करने वाले दशमेश पिता के हाण की दुनिया विच किधरे भी मिसाल नहीं मिलती। जिन्होंने आप अपने हथी अपने पिता नूं शहीद होने लई तोरिया ते अपने लखते जिगर साहिबजादियां नूं खुद मैदाने जंग तोड़ के ते अखी शहादत दा जाम पींदिया देख के जयकारे छड़े सन। श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह वालों श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते उसारे पांच किलियां दे विचों सब तो अहम किला है किला आनंदगढ़ दा। इत्थे रहिंदिया गुरु साहिब ने मुगलां ते पहाड़ी राजियां दे नाल अनेकां जंगां लड़ियां सन ते सब दे विच फतेह हासिल कीती सी। आनंदपुर साहिब नू खालसा अपना घर समझदा है ते अपने घर नू हर कोई संपूर्ण ते खूबसूरत देखना चाहुंदा है। इसी भावना करके पिछले एक साल तो मनाए जा रहे आनंदपुर साहिब के 350 साल शताब्दी समागम समर्पित SGPC ने दशमेश पिता वालों आनंदपुर साहिब विखे उसारे पांच किलिया नू पुरातन दिख दिते जाण दा वड्डा कारज शुरू करवाया है। गुरु साहब ने पांच किले बनाए जिन्हों का स्वरूप डिमानिश हो गया। असी गुरुद्वारा साहब तो स्थापित कर ले पर किला कितने भी नजर नहीं छा। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यह 350 साल जोड़ा स्थापना दिवस में मनाते हुए पंजा किलिया उसारण का जो असी फैसला किया और एक कार सेवा के रूप में वह किले जोड़े ने उसारे जा रहे हैं। ये नाल एक किले जड़े ने गुरु साहब की एक विरासत को दर्शाते हैं, गुरु साहब की सोच को दर्शाते हैं, गुरु साहब के संदेश को दर्शाते हैं कि उन्होंने मजलूमों जोड़े लोग से गरीब लताड़े हुए लोग से उनकी रक्षा लिए गुरु साहब ने किले स्थापित किए। सो आओ सब तो पहला असी तुहानू लैके चलते हाँ गुरु पातशाह वालों उसारे सब तो पहले तो मुख किला आनंदगढ़ विखे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वालों उसारिया यह किला अप्रैल 1699 विच बनना शुरू होया सी। पर पुरानी ते असली इमारत दीआं निशानियां हाले भी इत्थे मौजूद ने। यह किला सब तो मजबूत ते उच्चा किला मनिया जांदा सी ते तख्त श्री केसगढ़ साहिब के दक्षण पूर्व वल 150 फुट के करीब उचाई ते बनिया होया है। आनंदपुर ते फतेह पाउण लई मुगलां ते पहाड़ी राजियां दा सब तो वध जोर इस किले नूं ही कब्जे विच लैण ते लगा रहा।
पर एक किला दुश्मन वालों हमले की स्थिति विच सब तो महफूज जगह सी। 5-6 दिसंबर की रात नूं गुरु दशमेश पिता ने पूरे परिवार ते सिख फौजा समेत मुगलां दीयां झूठियां कसमां मन के जदों आनंदपुर छड्डिया सी तां उह इसे किले तों ही कीरतपुर साहिब वल तुरे सन। इस किले की इमारत भावें पुरातन किले वांग किलानुमा दिख ही पेश करती है, पर संपूर्ण पुरातन दिख देण लई इत्थे भी महापुरखां वल्लों कार सेवा चल रही है। किला कंपलैक्स के अंदर ही संगमरमर दीयां 135 पौड़ियां वाली बौली बनी हुई है। यह बौली 4 मीटर के घेरे विच बनी हुई है ते बौली नू इक टकिया होया रस्ता जांदा है। इस बौली का निर्माण सरदार उल कौम जथेदार जस्सा सिंह आलूवालिया ने करवाया सी। किला आनंदगढ़ के खब्बे पासे ते बौली के सज्जे पासे वाले रस्ते तो जाके जिस अस्थान दे तुसी दर्शन करते हो वो है गुरुद्वारा श्री तप अस्थान बाबा जीवन सिंह जी शहीद। इस अस्थान उते गुरु के सिद्धगी सिख भाई जैता जी ने अपनी जिंदगी का वडमुला समा लगभग 29 साल बंदगी करद्या बतीत कीते सी। भाई जैता जी उन्हां सिखां विचों एक ने जो 9वें पातशाह की शहादत वेले गुरु साहिब नाल दिल्ली वल गए सन ते भाई साहिब ने 9वें पातशाह का सीस दशमेश पिता जी कोल आनंदपुर पहुंचा के महान सेवा कीती सी। इस महान सेवा सदका चोची प्रीतम ने आप नू रंगरेटे गुरु के बेटे दी उपाधि बख्शिश कीती। इथे गुरु साहिब वेले दियां इतिहासिक 84 पौड़ियां ते भाई जैता जी दा पुरातन घर देखन योग थावां ने। इन्हां पौड़ियां तो दशमेश पिता ते माता गुजरी जी अक्सर गुजरते रहिंदे सन। प्रबंधकां दा कहना है कि श्री आनंदपुर साहिब विखे जे कोई पुरातन इमारत ज्यों दी त्यों मौजूद है तां उह इह इतिहासिक पौड़ियां ने जिन्हां ने अपनी पुरातन दिख हुण तक बरकरार रखी हुई है। इस पावन अस्थान की सेवा भाई जैता जी के जद्दी पुश्ती संत बाबा किरपाल सिंह जी ते उन्हां दा परिवार निभा रहे ने। इस जगह ते बाबा जी ने 29 साल तपस्या की। तपस्या करन करके जिस स्थान ते उन्हां महापुरशां ने तपस्या की उस जगह दे उत्ते किसी भी होर व्यक्ति नूं बैठन दी आग्या नहीं। यह शहीद भाई जैता जी का पुरातन घर है। इत्थे एक कमरा ज्यों दा त्यों मौजूद है ते तोशीखाने विच पुरातन शस्त्र पूरी तरह नाल संभाल के रखे हुए ने। इस किले दे विच गुरु साहिब ने शस्त्रां दी फैक्ट्री बनाई सी ते इत्थे शस्त्र तैयार किए जाते सन युद्ध कला दे विच जूझण दे लई। यही वह स्थान है जिथे गुरु के सिद्धकी सिख भाई बचित्र सिंह ने नागनी दे नाल मस्ते हाथी नू चित कीता सी। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਹਗੜ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੇਟ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੋਹਗੜ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੁਮੇਲੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਹੂਬਹੂ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਗਜੂ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ 1700 ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਮਾਤ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਖੂਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਅਗੰਮਪੁਰਾ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੋਲੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕਲਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗਿਆ। ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ, ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ 5 ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਤਾਰਾਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਟ ਕਹਿਲੂਰ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਆਤਮ ਜਗਿਆਸੂ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਚੋ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਧੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਆਰੇ ਚੋਚ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ editorpunjabi@zmedia.slgroup.com। ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।